अस्सलाम वालेकुम। राइडर 100 की लाइट चेक करते हैं कि नाइट में इसका कैसा व्यू है। ज़ाहिर है ये डायरेक्ट बैटरी के साथ तो नहीं है, लेकिन इसका व्यू चेक करते हैं। कि रात में इसके जो हेडलाइट है इसकी कारकर्दगी कैसी है, ये ज़रा चेक करते हैं। अब ज़ाहिर है ये डायरेक्ट बैटरी के साथ तो नहीं है कि बड़ी बैटरी हो, नहीं तो जैसे जैसे आप मोटरसाइकिल को रेस देंगे तो इसकी लाइट जो है वो तेज़ होती जाएगी, और जैसे ही आप रेस छोड़ेंगे तो इसकी लाइट जो है वो मध्यम हो जाएगी। ये इसकी लो लाइट है और ये इसकी फुल लाइट है। अभी यहाँ पर तो रोशनी बहुत ज़्यादा है तो कुछ ज़्यादा वो समझ नहीं आ रही है। हाँ, अलबत्त अगर अब इस लाइट को ऑफ कर दें फिर पता चलेगा। ये तो मतलब रोशनी है इस लाइट की। अच्छा, CBF में जो है पार्किंग लाइट नहीं है और राइडर के अंदर जो है पार्किंग लाइट दी हुई है। अजीब सी बात है। कुछ चीज़ें जो है, कुछ मोटरसाइकिलों में चीज़ें जो हैं वो एक मोटरसाइकिल में लगा देते हैं, बाकी जो है कुछ फैसिलिटीज़ वो दूसरी मोटरसाइकिलों में लगा देते हैं। इस तरह से गेम चलाते रहते हैं तो समझ फिर आती नहीं है कि कौन सी बाइक लें। किसी में डिपर होगा तो किसी में जो है डिपर नहीं होगा, किल स्विच होगा, किसी में सेल्फ स्टार्ट नहीं होगा। तो इस तरह से वो एक मिक्स बनाया हुआ है, इस तरह से जो है सबको इसको कहते हैं उल्लू बनाना। बाकी मोटरसाइकिल अच्छी है, एक है इसमें स्पीड जो है ना उठती है 70 cc से तो काफ़ी बेहतर है। बल्कि असल में इसका इंजन जो है वो खामोश है तो ऐसे फील नहीं आती है, वरना ये दौड़ती है किसी हद तक। तो ये हो सकता है कि 125 के साथ भी दौड़े। इंजन अच्छा है और गियर बॉक्स जो है, ये गियर बॉक्स कह रहा हूँ, जो नरम लीवर जो है वो नरम है, गियर नरम लगते हैं, गियर इसके नरम लगते हैं। ये वाली इसकी पार्किंग लाइट है जो कि CBF में भी नहीं है और होंडा स्पेशल एडिशन जो है 125 उसमें भी नहीं है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। इसमें ये इसकी पार्किंग लाइट और ये इसकी बैक लाइट और ये स्पीडोमीटर की लाइट, और ये अगर ऑन कर दें तो लाइट कुछ ऐसी नज़र आएगी। एकदम वाइट तो नहीं है लेकिन ऐसे पीली सी लाइट है और ये फुल पर है ये लाइट।